मोहतरम, आज खवरी पोरा ब्लॉक मत्तन में यहाँ पे ब्लॉक दिवस मनाया जा रहा है। इसी प्रोग्राम इस वक्त चल रहा है और लोगों के हवाले से जो मसाइल है वो सुने जा रहे हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। इस प्रोग्राम सारा जाता है या आपका कैपेक्स आ जाता है या जो नॉर्मल जो डीडीसी है आपको ही आ जाता है या नरेगा में वो आपको ही आ जाता है। इस वक्त बीडीसी चेयरमैन अब्दुल मजीद साहब जो इस ब्लॉक दिवस प्रोग्राम में मौजूद था और काफी मायूस नजर आ रहे हैं, क्यों आप मायूस नजर? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आज मेरी मायूसी ये वजह है कि ये जो ब्लॉक दिवस प्रोग्राम होता है ये मुलाजिमों को जवाब देना होता और हमारे पीआरएस और आवाम को सवाल करने होते हैं, लेकिन ऐसा हो रहा है कि ये ब्लॉक दिवस प्रोग्राम आज हमारा चौथा है। यहाँ तो पहले कोई बड़ा अफसर नहीं आता है, जब कहीं भी आते हैं कोई डिपार्टमेंट वो तो पियान होता है या क्लर्क होता है जिसको कभी किसी चीज की पता ही नहीं होती है, और दूसरी बार जब वो आता है तो और कोई आता है उसको मालूम नहीं होता मैंने क्या मुझे क्या जवाब देना है। यही वजह है कि आज जब मैंने देख रहा हूँ कि मेरे पीआरएस नहीं आए हैं, उन्होंने बायकॉट किया है, उसका मतलब है कि मैं पंचायती राज के तौर पर मैं नाकामयाब हो रहा हूँ, क्योंकि यहाँ तो मुलाजिम लोग हैं जो क्यों वीडियो के मातहत आते हैं तो उनको जरूरी इंतजामिया को क्या बताएंगे आप? मैं ये क्या इकदाम उठाएंगे? हाँ, मैं गवर्नर से यही अपील करता हूँ आपके माध्यम से कि यहाँ जो पंचायती राज है वो बुनियादी सतह पर मतलब कोई भी डिपार्टमेंट हमारे साथ सपोर्ट नहीं कॉपरेट नहीं करते हैं, जबकि कहीं भी कोई रिबन काटना हो तो कोई फाउंडेशन काटने आते तो वो मुलाजिमों को बुलाते हैं, हम जो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हमको बुलाना वो गवारा नहीं करते हैं। यही वजह है कि लोग बेदिल हुए हैं, यहाँ कोई नतीजा नहीं निकलता, कोई फ्रूट नहीं निकलता इस ब्लॉक दिवस प्रोग्राम से, तो इसीलिए लोग आते नहीं है। आप ये सिर्फ फोटो शूटिंग हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। ताकि ये जो ब्लॉक दिवस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं इनमें जो लोगों के मसाइल वो सुने जा रहे हैं उनके अजाले के लिए यहाँ पे अफसरान को बोला जा रहा है, और आज खवरीपोरा ब्लॉक में यहाँ पे ब्लॉक दिवस मनाया गया और यहाँ पे एडिशनल डीसी अनंतनाग गुलजार साहब के अलावा जो है बीडीसी चेयरमैन ने हिस्सा लिया, जबकि पंच सरपंच भी यहाँ पे मौजूद थे। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि ये जो ब्लॉक दिवस प्रोग्राम मनाए जा रहे हैं यहाँ पे अक्सर जो अफसरान है वो एबसेंट रहते हैं, और आज भी कई महकमों के अफसरान जो है वो एबसेंट रहे और लोगों ने जो मसाइल बताने थे उन महकमों के हवाले से, लेकिन बदकिस्मती से अगरच वो दर्ज किए गए हैं वो मसाइल, ताहम जो अफसरान है जिनको वो सुनने थे वो यहाँ पर मौजूद नहीं थे। तो लेकिन फिर भी यहाँ पे एडिशनल डीसी अनंतनाग ने इनको यकीन दिलाया है जो भी आपने यहाँ पे अपने मसाइल दर्ज कराए हैं इस ब्लॉक दिवस में और उन पे ज़रूर सुनवाई होगी। बहरहाल ये आने वाला वक्त ही तय कर सकता है कि कहाँ तक ये प्रोग्राम जो है कामयाब होते हैं और कहाँ तक जो लोगों के मसाइल है उनके अजाले के लिए काम किया जाएगा। अपना तो काम है जलाते रहे चिराग, रास्ते में चाहे दोस्त या दुश्मन का घर मिले। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान गुलजार अहमद गनाई को इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।